तकरीर दी गई यानी कि तर्क दिए गए उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि उनके पास ये अधिकार है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं नामांकन कर सकते हैं और उसी के तहत उन्होंने दस एल्डरमैन का नामांकन किया जबकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ऐसा उनके पास अधिकार नहीं, नहीं, है।, नहीं है और सीधे तौर पर पिछले तीस सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एल की ओर से एल्डरमैन का नामांकन किया गया हो और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक ऑब्जर्वेशन जरूर दिया जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हाल में दिए गए फैसले से थोड़ा सा वो प्रभावित लगता है मुझे वो ऑब्जर्वेशन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को आखिर एम के एल्डरमैन की के नामांकन में इतनी दिलचस्पी क्यों है ओ, तो ये इंडिकेशन है कि क्योंकि ये जो पिछले गुरुवार को जो फैसला आया ट्रांसफ़र नियुक्तियों को लेकर दिल्ली सरकार को अधिकार है उसके लिए उसके साथ में हालांकि बहुत खींचतान चल रही है अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लड़ाई सुर्खियों में लगातार छाई हुई है लेकिन दिल्ली नगर निगम का जो विकास है वो भी यहाँ पर अटका हुआ है देखिए मैं आपको एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन पढ़ के सुना देता हूँ ने कहा कि क्या स्थानीय निकाय में विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों का नामांकन यानी कि एल्डरमेंस का नामांकन केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी चिंता है एल जी को ये अधिकार देकर वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई चुनी गई एम सी डी को अस्थिर कर सकते हैं ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है और सीधे तौर पर यह इंडिकेशन जाता है कि इस मामले में कुछ सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था देगा जो उसके पिछले फैसले की तर्ज पर होगा ऐसा लगता है।, लगता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया है देखना ये होगा कि कब इस मामले पर फैसला आता है चूंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं उसके बाद ग्रीष्म ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर

लेकिन फैसले के मामले में कभी ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीख बताई जाए क्योंकि आ, हमेशा फैसला बड़े मुद्दों पर और तकनीकी मुद्दों पर सुरक्षित रखा जाता है और कानूनी जो पहलू होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट आ, को ख़ास तौर पर स्पष्ट करना होता है अपने फैसले में कि आखिर क्यों वो ये फैसला दे रहा है फैसले में रीजनिंग होती है कारण बताए जाते हैं स्पष्ट किया जाता है सभी पहलुओं पर विचार होता है सुप्रीम कोर्ट का और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कभी तारीख तय नहीं करता हालांकि ऐसा भी कई बार होता है कि जब जज रिटायर होने वाले होते हैं तो वो स्पष्ट कर देते हैं कि वो अमुक तारीख को फैसला दे देंगे और उनको लिखने में इतना समय लगेगा कई बार ऐसा हुआ है लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रखने के दौरान कभी तारीख नहीं देता है और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है उसमें जो सी डीवाई चंद्रचूड़ का ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है और ये संकेत देता है कि पिछला जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था अफसरों की ट्रांसफर नियुक्ति बिल्कुल 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 तो उसमें जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा था वैसा ही रुख सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले में भी हो सकता है क्योंकि जो एल की तरफ से वकील संजय जैन साहब पेश हुए थे उन्होंने जो आर्टिकल्स टू थर्टी नाइन डबल ए और जी एन एक्ट इन सब का हवाला दिया लेकिन फिर भी सी जी आई डी वाई चंद्रचूड़ संतुष्ट नहीं दिखे और उन्हें ये लगा कि आखिर केंद्र सरकार का यानी कि एलजी का इतना हस्तक्षेप एल्डरमैन के नामांकन में क्यों है दि, दि, और दि, 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 जब दिल्ली सरकार के अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर का जब अधिकार बहुत क्लियर हो गया आदेश के अंदर तो ये तो और छोटी यूनिट है निकाय है जी बिल्कुल देखिए लेकिन वो जो फैसला था वो बिल्कुल इतर है इससे उसमें अधिकारियों यानी कि नौकरशाहों पर जो दिल्ली सरकार के तहत काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं है। उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर किया था और इस मामले में चूंकि तर्क दिया गया है खासतौर पर इस मामले में खासतौर पर तर्क दिया गया है एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर के जो एलजी के वकील हैं संजय जैन साहब उनकी ओर से जो तर्क दिया गया है उसमें जो तकनीकी पहलू उठाए गए हैं उनको गौर करते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा ना कि अपने पिछले फैसले के आधार भाई पर भाई फैसला भाई देगा ये जरूर हो सकता है कि फैसले का रुख वैसा ही हो यानी कि दिल्ली सरकार के पक्ष में हो अगर ऐसा होता है तो दो ये जो दस मनोनीत किए गए हैं एल्डरमैन इनका जो मनोनीत किए गए हैं नाम ये खारिज भी हो सकती है अगर जिस तरह के इंडिकेशन लग रहे हैं अभी अगर वैसा ही फैसला भी आ जाता है तो दस एल्डरमैन कि जो नाम है वो चेंज हो सकता है फिर तो लगता है कि समीकरण बदल जाएगा हालात बदल जाएंगे और पार्टियों के जज्बात बदल जाएंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और आ, सबसे अहम बात यही कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एल के विरुद्ध फैसला देता है एल का जो नामांकन का आदेश है उसके विरुद्ध फैसला देता है तो ऐसी स्थिति में फिर नए एल्डरमैन्स की नियुक्ति होगी और उसमें सीधे तौर पर दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप रहेगा और पूरी जो व्यवस्था है एमसीडी की उसमें कहीं ना कहीं अधिकारिता और अधिकार दोनों ही बढ़ जाएंगे दिल्ली सरकार के बिल्कुल और इसके बाद जो समीकरण बदलेगा या अगर हम ये मान के चलें कि ये जो नियुक्ति है यही रहती है इसके ही आधार पर स्थायी समितियां बनेंगी उनके गठन की पूरी प्रक्रिया चलेगी उसको चुना जाएगा और उसके बाद दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए जितने भी प्रस्ताव हैं जितने उनकी प्लानिंग होनी है जितने उनके कार्यक्रम हैं जितनी योजनाएं हैं उस पर फिर काम आगे बढ़ेगा क्योंकि दिल्ली नगर निगम में अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर तो हैं स्टैंडिंग कमेटी अभी नहीं है इस सारी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तरफ आप बढ़िए और फिर उसकी जानकारी आपसे लेंगे और फिलहाल हम चलते हैं अगली खबर की तरफ टीवी दिल्ली एनसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा